स्लाइडिंग कैमरा और फुल पेसलेस डिस्प्ले की इस लिस्ट में लेनोवो ऑलरेडी शामिल हो चुका है और आप देख सकते हैं कि लेनोवो के इस बूथ पे मेरे पास ये है लेनोवो का Z5 Pro GT जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 से लेस है और इसमें आपको ये स्लाइडिंग कैमरा मिल जाता है। पर एनीवे स्पेसिफिकेशन की बात तो हम करते रहेंगे, मैं आपको फोन ओवरऑल इस फोन की लुक्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रंट में आपको 6.39 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और डिस्प्ले आपको देखने में बहुत ही शानदार लग रहा होगा। और बैक साइड देखेंगे तो ग्लास दिया है, बैक साइड पर डुअल रियर कैमरा है, नीचे की तरफ है टाइप सी पोर्ट, 3.5 एमएम जैक मिसिंग है नीचे की तरफ, राइट साइड पे है पावर बटन, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है, सॉरी ऊपर की तरफ है इसकी सिम ट्रे और लेफ्ट साइड पे है पावर बटन। तो देख सकते हैं कि इसमें 3.5 एमएम जैक दिया ही नहीं है पर फोन की लुक्स बहुत शानदार है और आपको देखने में बहुत पसंद आएगा। इसके दूसरे स्पेक्स की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें दिया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 और एक बार रैम स्टोरेज मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ जो इसमें दी गई है। तो इसमें आपको 6GB रैम के साथ 64GB की स्टोरेज मिल जाती है, हालांकि इसकी और वर्जन भी कंपनी पेश कर चुकी है, 8GB रैम और 10GB रैम मॉडल भी पेश कर चुकी है। और इनफैक्ट आपको बता दूँ इसमें आपको NFC का सपोर्ट मिल जाता है, फोन टच व्यू भी दिया गया है। इसके दूसरे हम स्पेसिफिकेशन पर गौर करें तो इसमें आपको मिलता है 16+24 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, देख सकते हैं कि शटर स्पीड बहुत फास्ट है, AI मोड दिया गया है, प्रो मोड है, डुअल मोड दिया गया है, फोटो मोड तो ऑप्शन है ही, वीडियो मोड और पैनोरामा मोड। वीडियो की क्वालिटी देख लेते हैं रियर कैमरा की, बैक कैमरा से आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं फ्रंट में आपको 16+8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जो 8 मेगापिक्सल सेंसर है वो इसके डेप्थ कैप्चर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आप बोके इफेक्ट वाली फोटोज क्लिक कर पाएँ। आप देख सकते हैं कि कैमरा में कुछ अभी थोड़ी सी खराबी, तभी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन पीछे से भी आ रही है और ये ग्लेयर दिखाई दे रहा होगा आपको। एक साथ साथ इसके फ्रंट में भी आपको, सॉरी फ्रंट में AI मोड नहीं है, डुअल मोड फ्रंट में दिया गया है सिर्फ और फ्रंट पैनोरामा मोड भी नहीं है। आपको बता दूं कि इसमें आपको सुपर नाइट मोड मिल जाता है रियर कैमरा में, पर अभी हम फ्रंट की बात कर रहे हैं तो फ्रंट दिखा देता हूं मैं आपको। फ्रंट की वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं आप, फुल HD वीडियोस पे फ्रंट में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको 3350 mAh की बैटरी मिल जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो फ़ोन बहुत ही पावरफुल स्पेक से लोडेड है, हालांकि 5G सपोर्ट अभी नहीं करता, फ्यूचर में हो सकता है कंपनी इसको X50 मॉडल के साथ पेश करे इसमें 5G सपोर्ट दिया हो। पर एनीवे कैसा लगा आपको ये फ़ोन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हमेशा की तरह आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।